दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द व्यंजन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू लच्छा नमकीन। जी हाँ, इसे आप व्रत में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल पंजाबी तड़के की तरह बनती है। बहुत आसान है इसे बनाना। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को एंजॉय करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की लच्छा नमकीन। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको और बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर सोना चिप्स, जो चिप्स वाला आलू होता है, वो आलू मैंने लिया है, उसे छील लिया है और छील के पानी में डाला है ताकि ये काला ना पड़े। साइज़ थोड़ा छोटा है बट साइज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चॉपर है, ये मेरे पास इस तरह का चॉपर है, तो इसी से मैं स्लाइस कट करूंगी इसके। तो आपके पास अगर ये ना हो तो आप किसी तरह का जैसे चिप्स कटर होता है तो चिप्स कटर से भी आप काट लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे, इसके चिप्स हम बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये चिप्स कट कर लिए, ये देखिए इस तरह से। और पानी मैंने नीचे रखा था ताकि ये जो स्टार्च है, मतलब ज़्यादा अगर पानी में ना रखो, सूखा होता है तो काले पड़ने लगते हैं। तो बस अभी ने हम निकाल लेंगे वापस इस तरह से। अब हम ये पानी बदल देंगे, दूसरा पानी मैंने साफ पानी इसमें ले लिया है और अब वापस इसे हम इसमें लगाएंगे और हम बनाएंगे लच्छे। तो बस 4-5 ऐसे चिप्स हम कर लेंगे बराबर से, यूँ इस तरह से, ये देखिए। और बस अब हम इसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आराम से करेंगे। ब्लेड बहुत तेज़ है तो धार आ रहेगी, तो आराम से कट करिएगा। तो इस तरह से हम पतले पतले इसके लच्छे कट कर लेंगे इस तरह से करके हमें। और बस इसको ऐसे हमें पतले पतले इसके लच्छे कट कर लेने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये आलू के लच्छे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले, बिल्कुल बराबर साइज में ये देखिए मैंने कट किए हैं। हम निकाल लेते हैं इन्हें भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे आलू के लच्छे तैयार हुए हैं, बिल्कुल बारीक, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले हैं। और आलू मेरा मीडियम साइज़ का था, थोड़ा छोटे साइज़ का था, तो लच्छे थोड़ा सा छोटे साइज़ के हैं। और अगर आपके आलू का साइज़ बड़ा होगा तो आपके इस तरह से जो लच्छे कटेंगे ना, बहुत ही लंबे लंबे कटेंगे। तो साइज़ के ऊपर बस हाइट इसकी डिपेंड करती है कि आप, अगर आलू बड़ा है तो बड़े से लच्छे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। अब इसे हम करीब करीब 4-5 पानी से अच्छे से हम इसकी धुलाई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया है, पानी एकदम क्लियर है, स्टार्च इसका निकल चुका है। और ये देखिए कितने बढ़िया से पतले पतले से हमारी ये साइज में बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे, एक टॉवल जो किचन टॉवल होती है उस पर हम निकाल लेंगे और इन्हें अच्छे से पोंछ देंगे। तो इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से हम पोंछ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इनका होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए पोंछ दिया अच्छे से हमने इन्हें से। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल मैंने चढ़ा दिया था और तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने जो लच्छे कट गए हैं हमने, वो हम डालेंगे इसमें, तलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत थोड़े थोड़े, जैसे 1-2 आलू के लच्छे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर जो है एकदम से डाउन हो जाएगा, तो फिर आपके लच्छे अच्छे से बनेंगे नहीं। तो हाई फ्लेम पर एकदम गर्म तेल में हमें डालने हैं, जो इस तरह से थोड़े थोड़े डालने हैं। और बस इसे हमें गोल्डन कलर में तल लेना है। तो देखिए, जैसे जैसे ये पकते जाएंगे अपने आप ऊपर आते जाएंगे, और जब एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तो अपने आप ये पकना बंद हो जाएंगे और इनका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये सारा प्रोसेस जो भी करना है सिर्फ हाई फ्लेम पर ही करना है, धीमा नहीं करना है गैस को, बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही करना है इसको। ये फ्रेंड्स, ये गोल्डन हो चुकी हैं और झाग जो बन रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस ऐसे ही गोल्डन कलर में हम निकाल लेंगे। और हाँ, अगर आपने सोना चिप्स अच्छा आलू यूज़ किया है तो आप मान के चलिए कि आपके बिल्कुल परफेक्ट लच्छे बन के तैयार होंगे। जैसे देखिए इस तरह से बन के तैयार हुए। और अगर आप आलू आप गड़बड़ से यूज़ करेंगे तो आपका जो लच्छा होगा वो एकदम लाल हो जाएगा तलने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे बैच अपने निकाल लेंगे तल के। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे लच्छे तल लिए हैं।
और आप आवाज़ अच्छे से सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप इस तरह के अगर लच्छा नमकीन मार्केट में लेने जाते हैं ना, बहुत महंगी मिलती है आपको। तो ये देखिए, आपने अच्छा आलू अगर यूज़ किया है तो बिल्कुल प्रॉपर ऐसा ही कलर आएगा, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ने वाले। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने, ये देखिए एकदम क्रिस्पी फ्लफी बने हैं, एकदम बहुत ही मतलब टेस्टी आप कह सकते हैं। घर पर ही देखिए बिल्कुल ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो अब इन्हें हम तल के एक साइड में कर लेते हैं। तो लच्छा नमकीन बनाएंगे जो हम आलू की, तो सिर्फ आलू से ही नहीं बनेगी, उसमें काफ़ी कुछ पड़ता है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक कटोरी करीब मूँगफली। तो बस मूँगफली को मैंने ऐसे ले लिया है और इस तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए इस तरह से चटकने लगी है, और जब चटकने लगे तो आप इसे निकाल लीजिए। और अब मैंने एक कटोरी काजू लिया है, इसे भी हम ऐसे ही तल लेंगे। तो बस हल्का सा गोल्डन हो जाए बस इतना ही करना है। ये देखिए थोड़ा सा करी पत्ता मैंने लिया, देखिए इस तरह से करी पत्ता को भी हमने फ्राई कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं अपनी लच्छा नमकीन। तो अब हम इसे लच्छे को एक बाउल में डालेंगे, और अब जो ये मूँगफली हमने तली थी वो भी डाल देंगे इसी में, साथ में काजू भी डाल देंगे, और ये करी पत्ता भी हम इसी में डाल देंगे ऊपर से। तो आप लच्छा नमकीन बनाने के लिए जो भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आप किशमिश चाहें किशमिश डाल सकते हैं, गरी के लच्छे काट के आप डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर मूंगफली और काजू का इस्तेमाल किया है, आप जो भी चाहें ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ मिलाते हैं इसमें मसाले। तो इसमें हम डालेंगे काला नमक आधा चम्मच। अगर आप व्रत के लिए इसे बना रहे हैं तो काला नमक ना डाल के आप सेंधा नमक और मिर्च का, जो भी व्रत में आप मसाले खाते हैं वो मसाले आप डाल लीजिए। तो मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, और मैं सिर्फ नॉर्मल ऐसे खाने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने डाला है आधा चम्मच करीब काला नमक, इसमें आधा चम्मच के करीब ये कुटी हुई काली मिर्च है, और जितना आप तीखा चाहते हैं उस हिसाब से मिर्च डाल लीजिए। तो मैंने लगभग एक चम्मच यहाँ पर ये मिर्च लिया है, थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते ज़्यादा। एक चम्मच हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, तो बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा हम नॉर्मल जो रूटीन में हम नमक यूज़ करते हैं वो नमक हम डालेंगे, वो भी टेस्ट के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि आप कितनी नमकीन बना रहे हैं, किस हिसाब से आपका नमक जाएगा, तो उसी हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। क्योंकि नमक का इस्तेमाल मैंने अभी सिर्फ काला नमक किया है आधा चम्मच, तो लगभग आधा चम्मच ये वाला नमक पड़ जाएगा। बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम दो चम्मच की सहायता से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप नमकीन घर में बना के खाइए, ज़्यादा हेल्दी होता है। बाजार की नमकीन ना बना करके ना खा के आप घर में बना के खाइए। तो किसी भी जार में आप भर के रख दीजिए इसे, और आराम से यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं आती है ना बनाने में और ना इसे स्टोर करने में दिक्कत आती है। आराम से आप बनाइए खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी ये आलू की लच्छा नमकीन, और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अगर आपको आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इसी तरह से इंजॉय कीजिए हेल्दी हेल्दी नमकीन और नई नई डिशेस। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।